यानी और महोदय अभी बंगाल में अकाल पड़ा तो समाजशास्त्री और क्या कहते हैं अर्थशास्त्री उसका विवेचन करते हैं। महोदय दुनिया में अब अन्न की कमी कहीं नहीं है, लेकिन अन्न की कमी रहने के सोना का भंडार यहां पर है, लेकिन मेरा जेब अगर ठन ठन गोपाल है तो हम कुछ देख सकते हैं। अन्न की कमी नहीं है, लेकिन अन्न को खरीदने की कैपेसिटी है कि नहीं, जिसको कहा जाता है परचेजिंग कैपेसिटी। ये परचेजिंग कैपेसिटी मतलब मात्र ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 27 रुपया प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपया प्रतिदिन है। महोदय इसलिए कहा गया है कि इस अकाल में लोग इसलिए मरे कि मरने वाले लोगों का कैपेसिटी और परचेज नहीं था। महोदय अंक में जब इस पूरक बजट को हमने सोचा कि ठीक कुछ एंटीसिपेट नहीं बल्कि पोस्ट इफेक्ट भी कुछ काम होगा बजट में महोदय, तो हम खोजने लगे कि बजट पूरा बजट को हमने जो सामाजिक सुरक्षा के तहत खोजने लगा कि मुजफ्फरपुर जिला के 5 प्रखंडों में चमकी बुखार से 200 से ज्यादा बच्चे की मृत्यु नहीं मौत हुई। अब मतलब जिन जिन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी ने कहा सामाजिक सर्वेक्षण वहां कराया जाए, तो अब तक वहां हमको जो जानकारी मिली है सामाजिक सर्वेक्षण का कोई काम वहां प्रारंभ नहीं हुआ है कि जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री वृद्धि क्या कहते हैं वृद्ध जो योजना है पेंशन का वह मिल रहा है कि नहीं, छप्पर है कि नहीं, बोलने दिया जाए बाद में हम समझे यह सब चीज जो है। महोदय दूसरी बात महोदय जो हम बतला रहे उसमें जो 700 लोग जिसका इलाज हो गया घर चले गए, लेकिन आप भोपाल का जो त्रादशी हुआ उसका अभी भी प्रभाव है, तो जो लोग घर गए हैं उनकी स्थिति वह मस्तिष्क रोग विकलांगता का शिकार हो सकते हैं। इसके संबंध में इस बजट के एक पेज से लेकर के अंतिम पेज तक हम खोलने का प्रयास किया या नहीं हुआ। महोदय अंतिम चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, इतने विकास के बावजूद मजदूरों का पलायन दूसरे जगह क्यों हो रहा है? इतने विकास के बावजूद महोदय ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? हमारे यहां जो बुद्धिजीवी है जो अपने बुद्धिजीवी जो अपने कौशल अपने टैलेंट का इस्तेमाल राज्य के विकास में कर सकता है उसको घेरने का काम वर्तमान सरकार का कोई उद्योग और कोई इस तरह का योजना नहीं है जो रोक सके। इसलिए महोदय मेरा मानना है और भिक्षावृत्ति अभी भी महोदय भिक्षावृत्ति जब कभी हम जाते हैं हनुमान मंदिर के नजदीक जब कभी किसी जाते हैं तो हजारों की संख्या में अब वहां पर बच्चा भीख मांग रहा है बच्चा नहीं। और महोदय जब कभी जाम किसी चौराहे पर जाम होता है तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं ऐसे मांग रहा है ऐसे हो गया, समाप्त कीजिए। तो इसलिए महोदय हम यह जानना महोदय अंतिम बार जो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी भी हैं, मैं मांग करता हूं कि इतनी भारी संख्या में तटबंध टूटने का क्या कारण है? क्यों तटबंध टूटा? जब आप पूर्व बाढ़ आने के पूर्व आपने समीक्षा किया था आपने मिट्टी देने का काम किया तटबंध सुरक्षित है मजबूत है बाढ़ के पानी से भी नहीं टूटेगा इसका आपने उद्घोष किया, तो तटबंध टूट रहा है और अभी भी टूटेगा। क्या यह तटबंध टूटना किसी को रोजगार दिलाने की कोई व्यवस्था इसके द्वारा होगी क्या? कभी कभी लोग कहता है कि तटबंध इसलिए टूटता है कि हम रोजगार लोगों को दे सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ महोदय मैं मांग करता हूं कि भिक्षावृत्ति रोकने का कोई उपाय हो, चमकी बाजार चमकी बुखार से जो लोग मरे उनके परिवार का देखरेख हो और जो निरोग होकर के जो बच्चा गया वह विकलांग नहीं बने और तटबंध जो टूट रहा है उसकी जांच कराई जाए किस एजेंसी के द्वारा किस व्यक्ति के द्वारा वह तटबंध टूट रहा है। इसी चूंकि हमारा जो मौलिक गरीबी को दूर करने का कोई उपाय हम पूरक बजट में नहीं देखा, इसलिए महोदय इस पूरक बजट के समर्थन में हमको दिक्कत होती है और अगर हम समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग समझेगा कि आप सामाजिक अपराध के भागी होंगे। इसलिए सामाजिक अपराध से बचने के लिए मैं इस पूरक बजट का समर्थन करने में अपने को मैं असमर्थ पाता हूं। धन्यवाद सर।